ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मुख्यमूलं गुरुर्कृपा मुख्यमूलं गुरुर्कृपा। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। सुधी जानी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्यायर आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊ। आज मालिका वचन आलोचन आम आलोचना करने को जाऊँ महापुरुष हरिदास अच्युत यशवंत जगन्नाथ बलराम शिशु अनंत लिखिं मालिका शास्त्र रे जे आग को सात दिन कलिजुगर थे अंधार हो तेणु ये सात दिन अंधारता को पिंडरे ब्रह्मांडरे आज अध्याय आम बुझे जाऊ। अनेक लोक मत प्रश्न करती भागवतर मत एक पदटी लेखा कौन लेखा ना पिंड ब्रह्मांड एक मत जानती सुज्ञानी पंडित राधे गोविंद 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 पदोगालोचि मकरंदा सत्वभु झीले तुटे भ्रांति अवसा करु तरी जानती राधे गोविंद 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 पदोगा रुचि मकरंद आओ आनंदे बोला हरि 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 करिबे भवो पारि राधे गोविंद 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 पदोगा रुचि मकरंद। अति बड़ी जगन्नाथ दास श्रीमद भागवत महापुराण रे हे ज्ञानी गुणी मंडली ये पदटी लिखिदेले कले पिंड ब्रह्मांड एकमत जानती सुज्ञानी पंडित जहाँ देखुचु ये जहाँ देखुचे ब्रह्मांडे ताही अच्छी यही पिंडे ये पिंडर जहाँ ब्रह्मांड से यारे बाबा तेणु तो अनेक मत प्रश्न करते आज्ञा आपण सात दिन अंधार कथा कौन ब्रह्मांड बुझे कौन पिंडे ना ये पिंडर कौन ताकू महापुरुष कही ना हाँ कही ज्ञानी गुणी मंडली सुधी जानी य पदटी को महापुरुष हरिदास लिखिले हरिदास मालिकारे कौन कहले कहे सात दिन जी अंधार लो बहुत सूर्य न हो देखा बहुत लो सूर्य न हो देखा कुकुर घरे पशी जीवे कहीं न करीबे रक्षा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। हरिदास महापुरुष लिखिले पदटी कले हे मैत्र नीलाद्रि नंद सात दिन जी अंधार लोबउल सूर्य न होइबे देखा श्रृगाल कुकुर घरे पशी जीवे कहीं न करीबे रक्षा आगे यहाँ को पिंडे बुझेदबा पिंड कले शरीर बुझेबा शरीर में सात दिन दिने अंधार हबो समय आसीबो जन्म रु मरण पर्यंत आम ये ज्ञानी गुणी मंडली सुधी जानी जन्म ठारु मृत्यु पर्यंत सब बेले आम श्वास प्रश्वास नियंती पवन भीतर को नियंती पवन बाहर को छाड़ती
निश्वास रे पवन छाड़ती प्रश्वास रे पवन भीतर को नियंती नहीं ये जन्म रु मरण पर्यंत क्रिया चली थाए किंतु जेतबेले मृत्यु सन्निकट हो जाए मृत्यु बेल जेतबेले हो जाए प्राण प्रयाण समय कपबात पीते ये पिंडर प्राण बाहर समय तले हो जाए सेतबेले महापुरुष लिखिले पवन जीवासी होता किंतु पवन बंद हो जाए सात दिन सात घंटा सात मिनिट सात सेकेंड पूर्वर पवन बंद गोटे हेबो कौन पवन बंद हेबो कौ पवन बंद हेबो आज मालिका वचन रे से विषय में आलोचना करूछि महापुरुष कहिले जे सात दिन जे अंधार रो बहुल सूर्य न होइबे देखा सूर्य आउ देखा देबे नाही माने अच्युत लिखिले कले सूर्य रे करिबो भोजन सूर्य रे करिबो गमन राधे गोविंद 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 पदुगाळो छि मकरंद अच्युतानंद महापुरुष कले राम रे शरीर शरीर रे बुझौछु कले सूर्य रे करिबो भोजन सूर्य रे करिबु गमन सूर्य रे तो भोजन करिबु माने ता अर्थ कौन महापुरुष लिखिले अच्युतानंद कहले एगार एगार मिशी चबिशी एगार एगार मिशी चबिशी एगार एगार मिशी चबिशी एगार एगार मिशी चबिशी उठाइले हेब चौराशी उठाइले हेब चौराशी अच्युतानंद महापुरुष लिखिले मालिकारे राम रे ये एगार एगार मिशी चबिशी शिष्य रामचंद्र कहले गुरुदेव कौन आपण कहते एगार एगार मिशी चबीश एगार एगार मिशी चबीश किमी है आपण मान मन भितर प्रश्न आसु थे जीवन आपण मैंने शुणुंट प्रश्न आसु थे जे ये कौन भूल बोलदेले ना कौन मालिकार ये पदटा को भूल बोलदे एगार एगार मिशी चबीश तो नुह आम कौन परीक्षा जानू आम कौन परीक्षा हिसाब कर शिखनु संख्या हिसाब कर शिखनु ये कहले एगार एगार मिशी कौन ना चबीश एगार एगार मिशी तो बैश है ना एगार एगार मिशी बैश हे ये चबीश कौन कहले कहीं चबीश कहलु ये ज्ञानी गुड़ी मन कौन पे आम चबीश कहलु एगार एगार मिशी अच्युतानंद कहीं कहले एक बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की शुद्धि जानी ज्ञानी गुणी मंडली आज आलोचन आम आलोचना करूल विषय कौन ना सात दिन अंधार कलीजुगर दिन हम ये कथाटा को आम पिंडरे एवं ब्रह्मांड रे आज बुझौछु अच्युत महापुरुष बुझेई जहा कौन कहते ना एगार एगार मिशी चबीश कहले राम रे एगार एगार मिशी मैंने गुरुदेव भूल हो गला एगार एगार मिशिक बैश हे आप चबीश कौन कहते ना चबीश हम किमी हम एगार एगार मिशी चबीश देखते मालिका तत्व बुझे तुटे भ्रांति भवसागर तरी जाती एगार कहले बाम पट नाक पोड़ा एगार कहले डाहाण पट नाक पोड़ा बाम पट नाक पोड़ा को चंद्रनाड़ी कहती चंद्राणी एपटे पवन जीवा को चंद्राणी कहती डाहाण पटे पवन जीवा को सूर्याणी कहती एगार एगार मिशी है के चबीश किमी ना भीतर को बाहर जाऊ पवन जाऊँगी बार आंगुड़ी नहीं बाहर ए दुई नाक पोड़ा रे भीतर को पवन जाऊँगी केते ना बार आंगुड़ी बाहर को पवन बाहर केते बार आंगुड़ी नुई बार बार मिशीला केते अच्युत महापुरुष लिखिले मालिकारे बोले जाऊची बार आसुची बार जाऊची बार आसुची बार रे जाऊची बार आसुची बार जाऊची बार आसुची बार बार उपरे रहीची तेर बार उपरे रहीची तेर अच्युत कहले राम रे ये जाऊची बार आसुची बार नुई बार आंगुड़ी जाऊची पवन भितर को आपण को बार आंगुड़ी जाऊची बोली आम जानवा केमी पवनटा आम शरीर बुझौ पिंड बुझौ सात दिन अंधार कथा
सात दिन अंधार कलीजुगर दिन हम या महापुरुष पिंडे कहते आम बुझाऊ भितर को बार पवन जाऊँगी जाणी केमी हे ज्ञानी गुणी मंडली नाक पाखर मापी दबा चारि आंगुड़ी चार चारि आठ आंगुड़ी आठ चारि बार आंगुड़ी बार आंगुड़ी जोटी हेबो ता पछक रही दुख दुखी बाट माँ पेटर जितेबाला आम थी बेले ये बाटटी खोला है जितेबाला माँ गर्भर आम जन्म हो गले कौन है से बाटटी बंद हो गला नहीं से बाटटी बंद हो गला तेणु महापुरुष कहते जाऊँ बार आसुची बार बार ऊपर रही तेर तेर आंगुड़ी जदि पवन चली ओलटिकी फेरबना जिते बड़े शिव शबरे परिणत होब हो कहते जीव चलीगला मुर्दार आम होगा तेणु महापुरुष से कहले जे दुई नाकपोड़ भितर जा बार आंगुड़ी पवन बाहर को बाहर बार आंगुड़ी बार तेणु एगार 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 ये दुईटा गारे केला ना एगार एगार मिसी चबीश चबीश आंगुड़ी पवन है नुई तेणु अच्युत कहले बाबू रे जेतबले प्राण प्रयाण समय कफबात बीते ये पिंडर जेतबले प्राण बाहर सेतबले कौन हुई ना सूर्याणी आउ चलना कहले सूर्यरे करू भोजन खाइबू केतबले डाहाण नाक बुड़ा बड़े पवन जीवा आसिया समय अधिका तु गमनागमन केतबले करू घर बाहर जुआड़ को केतबले बाहर की जीवु ना जो डाहाण नाक बुड़ा बड़े पवन बाहर पवन जीवा आसिया जोर करते डाहाण पाद पक तु यात्रा आरंभ करू आउ तु जेतबले दर्शन करू दिय दर्शन करू कौ नाक बुड़ा बड़े पवन जीवा आसिया समय मन रखते हे ज्ञानी गुणी मंडली आम दिय दर्शन करवाक जाऊे मंदिर जाऊे मठ जाऊे विभिन्न स्थान को जाऊे भगवान को दर्शन करने ये दर्शन कला बेले कौ नाक बुड़ा बटे पवन जीवा आसिया समय दर्शन करने दरकार अच्युत लिखिले कहे सूर्य रे करू दर्शन चंद्र रे करू शयन राधे गोविंद 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 कले सूर्य रे करू दर्शन चंद्र रे करू शयन जिते डाण नाक बुड़ा पड़े पवन जोर जीवा आसिया करन से तू देव दर्शन करू आ दर्शन कले से दर्शन रे पुण्य मिल जीव से दर्शन रे तोते भगवत प्राप्त तो रही आउ चंद्र रे करू शयन चंद्र शोबू केत सूर्याणी चलुला बेले डाण नाक बुड़ा बाटे जोर पवन जीवा आसिया समय अच्युतानंद कहते बाबू रे कली जुगर मनीष से तुम शोबना शयन केत ना जिते बाम नाक बुड़ा बाटे पवन जोर जीवा आसिया करु थत तुम शयन कर बुझे कि स्वतीजने मन रखु ये कथा कहीं हाड़िदास लिखिले सात दिन जी अंधार लो बऊल सूर्य न हो देखा श्रृगाल कुकुर घरे पोषी जीवे कहीं न करे रक्षा जय जगन्नाथ पतित पावन ओडिशा बड़ ठाकुर कल्प बटवासी प्रभु ब्रह्म राशि कणी कणु सनासन सर्प माने फणा टेकिलो बऊल दाण्डरे खेलिबे खेल ऋषि मुनि वाक्य अन्यथा रहिबो आसिलाणी सेही बेळ जय जगन्नाथ पतित पावन ओडिशा बड़ ठाकुर कल्प बटवासी प्रभु ब्रह्म राशि कणी कणु सनासन हरिदास महापुरुष लिखे सात दिन जी अंधार लो बऊल सूर्य न होइबे देखा केतेबेले सूर्याणी आउ चलिबो नाही मन रखे कथा जेतेबेले मृत्यु समय आसीजीव मलाबेल होइजीव निकटतर प्राण प्रयाण समय कफबात पीते ये पिंडर जेतेबेले प्राण बाहर थिबो सेतेबेले सात दिन पूर्वर मन रखे कथा जेतेबेले मृत्यु बेल हबो तार सात दिन पूर्वर डाण नाक बुड़ा बड़े आउ पवन चलो ना रे बापा सूर्याणी चलो ना नहीं आउ सात दिन पूर्व सूर्याणी चलो ना सात दिन सात घंटा सात मिनिट सात सेकेंड पूर्वर आउ डाण नाक बुड़ा बड़े पवन जीवा आसवा हम ना से खाली चंद्राणी चलो चंद्र कले शीतल ये चंद्रनाड़ी हूँ शीतल सूर्य है उत्ताप
ये उत्ताप चलोनी शरीर उत्ताप अच्छी बोली देह बंची रही जदि चंद्राणी खाली चलो देह बरफ हो कहती शनिपात हो ये पाद ठारू पूरा शनिपात हो गला हेमाल हो गला पाद देखुना धीरे धीरे शरीर हेमाल हो बुझे भल भाव महापुरुष बुझे ये कथा बोली महापुरुष अच्युतानंद जी की ये ज्ञानी गुणी मंडली सुधी जानी आम आलोचना करुले विषय कौन ना पंचसखा मान सहित महापुरुष हरिदास मत कली जुगरे सात दिन अंधार हो सात दिन अंधार टी आमे पिंडरे एवं ब्रह्मांडरे दीटा आकार बुझेबु केबे सात दिन अंधार हेबो शरीर रे केतेबेले सात दिन अंधार हेबो ये ब्रह्मांड रे केतेबेले सात दिन अंधार हेबो ये पिंड रे केतेबेले सात दिन अंधार हेबो ये ब्रह्मांड रे केतेबेले सात दिन अंधार हेबो ई कथा को आजिर मालिका वचन आमे बुझौछु ज्ञानी गुणी मंडली मन देख सुनंत कहिले ये पिंड रे महापुरुष कोजने आउ सूर्याणी चली बनाय रे बापा केवल चंद्राणी चलिबो चंद्र चलिबो देह थंडा हो बरफ हो शिवर शबर प्रणत हो तेणु से कथा महापुरुष कहले शूद्र करू दर्शन चंद्र रे करू शयन पुनश महापुरुष ये कथा को अमरकोश मालिका मालिकार नाम है अमरकोश द्वितीय अध्याय अच्युत कहले कले जहा देखु ये ब्रह्मांडे रे समस्त पिंडे रे राधे गोविंद 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 हे उद्धवा मधुगाड़ मकरंद हे उद्धवा जहा देखु ये ब्रह्मांडे समस्त अच्छी यही पिंडे यही पिंडे अच्छी ब्रह्मांड रे जहा देखु तू आउ अच्युत कहले ब्रह्मांडे जेते कियाण रे उधवा अच्छा से मन रे उधवा राधे गोविंद 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 हे उधवा मधुगाड़ मकरंद हे उधवा बोले ब्रह्मांड जतेक भियाण जतक ब्रह्मांड रे तो भियाण देखु से सब अच्छा मान ये शरीर भितर सब अच्छे तेणु ये देह ज्ञान गला पिंड में आम बुझेदेलु सात दिन अंधार केतबेले हेबो ना जितेबेले मल्ला बेल आसीबो ता सात दिन पूर्वरु चंद्राणी चलिबो नाही सूर्य देखा देबे नाही से कथा लिखले सात दिन जे अंधार लो बहुल सूर्य न होइबे देखा अर्थ सात दिन पूर्वरु सूर्याणी आउ चलिबो नाही मल्ला बेल हेले ब्रह्मांड रे बुझेबा ब्रह्मांड रे महापुरुष कहिछनि सात दिन केतबेले अंधार हेबो ना सपत दिवस अंधार होइबो बुद्धि ज्ञान हजि दिबो टंका कोचा ओळ मुठाए होइबो मो वचन अटि ध्रुव जय जगन्नाथ पतित पावन ओडिसा बड़ ठाकुर कल्प बटवासी प्रभु ब्रह्म राशि कली कलु सनासन सात राति पोरा एक राति हेब सात दिन एक दिन सप्तम अंके प्रकाशी प्रकट सर्वे होई जीवे हीन आउ नाही आउ बेसी बेल लबुल निकटे होइब देखा पंच सखा माने कहि जाई छंती पुराण रे अछि लेखा महापुरुष हरिदास लिखले ब्रह्मांड रे केतबेले सात दिन अंधार हेबो ये कथा कण मालिकार लेखा जमते पिंड रे बुझे देलु ना ब्रह्मांड रे केतबेले सात दिन अंधार हेबो सूर्य देखा देबे नाही महापुरुष लिखले बाबू रे सात दिन पूरा एक सात राति पूरा एक राति हेबो सात दिन एक दिन सपतम के प्रकाश प्रकाश कहीं न होइबे रक्षा रक्षा कहीं पाइबे नाही केतबेले बोले बसु साल रे बविंस अंक जे प्रमाण बाबू अंक जे प्रमाण सात दिन अंधकार होई बटी पुणा बाबू होई बटी पुणा महापुरुष अच्युतानंद महापुरुष मालिकार नाम है शिवकल्प नवखंड निर्घंड कहले ब्रह्मांड रे केतबेले सात दिन अंधार हेबो सतरे कौन हेबो लिखिक रखंत
केतेबेले हेबो ना बसु सालरे बविंस अंक जे प्रमाण सात दिन अंधकार होइबटी पूर्ण ब्रह्मांड रे बुझौछु आउ मीन कृष्ण चतुर्दशी शुक्र देवास रो शुक्र देवास अंधकार घोटी बोटी मर्त्य मंडल रो मर्त्य मंडल केतेबेले हेबो ना बसु साल रेब विंश अंक जे प्रमाण बसु कहले अष्ट बसु साल जो साल चली रेब कहले केते रेब कहले माने नक्षत्र केते नक्षत्र ना सतैश नक्षत्र रही नुह आउ विंश विंश कहले केते ना कोड़िए अंक जे प्रमाण सात दिन अंधकार होइबटी पण ई सम को हिसाब कले ए ज्ञानी गुणी मंडली सती जानी अड़सठी अंक हिजिव अड़सठी अंक हेबो आउ से अड़सठी अंक रे महापुरुष कहिले सेतेबेले मीन कृष्ण चतुर्दशी शुक्र जीवासर अड़सठी अंक कहार गजपति राजा दिव्य सिंहर अंक अड़सठी अंक जेतेबेले कि प्राय धरा जाउचे आमे हिसाब करूचे ना जिमिति अंध माने बा नेत्र नथिबा व्यक्ति माने हाथी देखिया पई तळे जानती हाथी की देखती आ देखिकी जमी संपूर्ण भाव में हाथीर स्वरूप को जापारते ना जी हाथीर लांज को धरी था से कहते हाथी गोटे साप भली भाव आम आलोचना करूचे अनुमान करी कहे 2026 रु 27 भितर ये घटनाटी घटिपे महापुरुष अच्युतानंद मालिकार ये हूँ मत आदिन मीन कहले कौन चैत्र मास हेतिबो मीन कृष्ण चैत्र मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि शुक्रवार हेतिबो सेई दिन अंधकार घोटी बटी मर्त्य मंडल ये मर्त्य मंडल अंधकार हेबो बोली महापुरुषंकर मालिकारु एही अर्थ बाहरुछ तेणु हे ज्ञानी गुणी मंडल सुधी जानी सात दिन अंधार कथा आम पिंड बुझेलु ब्रह्मांड बुझेलु बुझे आज तो समय ता संदुवाणी की विराम दबा कि पूर्व जन भक्तर ना कह कि से भक्त कौन तार ना कौट तार जन्म ही कले चंदनपुर चंदनपुर पुरी चंदनपुर बासु नाम जड़े भक्त जन्म होती चौचकी रे कलिजुग शेष लीलाखेला अनेक भक्त मानकर अच्युतानंद महापुरुष मालिकार पदटी लिखिच ज्ञानीगुणी मंडली भक्तर ना आम कहलु आपण मैंने ठाब करेंगे आज तो समय ही आसंद बाणी के ठारे विराम दबा पुणी आसंद अध्याय भेट होगा रहुचु हरि ओम शांति ही शांति ही शांति ही सर्वारिष्ट सुशांति रे भवतु प्रार्थना आम आनंदर उत्सव।